आगे बढ़ेंगे। जहां बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी ओर भिवानी के महिलाओं ने अपने हाथों में कूड़ा लेकर जिला सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और दरअसल वार्ड 31 की सभी कॉलोनियों में गंदगी का अंबार है और कूड़े फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहीं इसको लेकर महिलाओं ने समस्या को जल्द हल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम घर का कूड़ा आखिर कहाँ डालें, इससे गंदगी के कारण बीमारी बढ़ने का भय बना हुआ है। जहां बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी ओर भिवानी के महिलाओं ने अपने हाथों में कूड़ा लेकर जिला सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल वार्ड 31 की सभी कॉलोनियों में गंदगी का अंबार है और कूड़े फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहीं इसको लेकर महिलाओं ने समस्या को जल्द हल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम घर का कूड़ा आखिर कहाँ डालें, इससे गंदगी के कारण बीमारी बढ़ने का भय बना हुआ है। एक महीने से बहुत परेशान है सब कॉलोनी वाले, हमारे कूड़े के लिए कोई गाड़ी मंगवाओ, हमने 200-200 रुपए दे के भी टेम्पू बनवाया था, वो भी हमारा खा गए कमेटी वाले। अब हमारा कहीं तो ठिकाने बनाओ कूड़े डालने का। कितने दिन से कूड़ा हुआ? एक महीना हो गया, कूड़े की गाड़ी आती नहीं है, ना कोई झाड़ू वाला आता है। मकान टैक्स भरते हैं, पानी का भरते हैं, बिजली का भरते हैं, कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। 10-15 दिन से सफाई का बहुत बुरा हाल है, बार बार प्रशासन को, मैं डीसी साहब को भी व्हाट्सएप पे ये समस्या मैं दे चुका हूँ, फिर भी उसके बाद कोई निदान नहीं है। हमने अपने वार्ड से पैसे इकट्ठे करके एक टेम्पू कमेटी को दिया हुआ है, ना तो उसको हमारे भेज रहे ना उसकी व्यवस्था हो रही। हम प्रशासन से मांग करते हैं, एक तरफ तो सरकार स्वच्छता अभियान पे इतना जोर शोर से प्रोग्राम करती है और हमारे वार्ड में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। महिलाओं ने कहा है कि हमने वार्ड से 200-200 रुपए कलेक्शन कर नगर परिषद को कूड़ा उठाने के लिए टेम्पो दिए थे, मगर नगर परिषद उनके कूड़ा वाहन को भी खा गई है और लोगों के बारे में नगर परिषद जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यदि इस समस्या का हल नहीं हुआ तो वार्ड के लोग अधिकारियों के घर के सामने कूड़ा डालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो प्रादेशिक खबरों में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।